तो देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. जो आपका क्रिसमस होता है ना, वी नो क्रिसमस, ठीक है. जो क्रिसमस वी ऑफन से ना कि क्रिसमस हो जाता है, तो उसमें जो आपका इंजरी होता है वो कौन सा मसल पे होता है, यू नो, मीडियल टेरिकॉइड। मेडियल टेरिकॉइड, ठीक है. ये याद रखना है, जस्ट मेरे दिमाग में आया, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, मेडियल टेरिकॉइड, ठीक है. नाउ व्हिच इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एलए. मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आपका क्या है? दिस हैज कम इन आई थिंक 2000 दिस 2017 आपका नीट में आया था, ठीक है. मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इज आपका रिसेप्टर बाइंडिंग, थ्योरी या रिसेप्टर बाइंडिंग थ्योरी, या और भी क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी. तो एक्सटर्नल कैन आस्क यू ना कि आपका व्हाट आर द डिफरेंट थ्योरीज, तो यू शुड नो क्या है आपको, पहले एसिटाइल कोलाइन थ्योरी, फिर है आपका कैल्शियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, फिर है आपका सरफेस चार्ज थ्योरी, सरफेस चार्ज थ्योरी, देन आपका क्या है, मेम्ब्रेन एक्सपेंशन थ्योरी, और जो सबसे सबसे जो क्या है वो कौन सा है, एक्सेप्टेड स्पेसिफिक रिसेप्टर थ्योरी, ठीक है. थ्योरी नाउ व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी, क्या होता है आपको पता है, लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन होता है आपको डिजीनेस नर्वसनेस, नर्वसनेस होता है, नर्वसनेस। ठीक है. दिस इज आल्सो 2017 आपका नीट एमडीएस क्वेश्चन है, ठीक है, नर्वसनेस होता है. नाउ लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट जो होता है, अगर हम सीएनएस में देखें तो कहाँ पे इफेक्ट करता है, आपका एमिग डेला पे, ठीक है, एमिग्डाला, ये नीट एमडीएस क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दिस. नाउ इसमें आपका जो सीएनएस पे जो लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, दैट वी कैन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. अगर आपका आपका कंसंट्रेशन हो 0.0524 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, तो क्या है आपको, इट वर्क एज ए ड्रग, एंटी कन्वर्सेंट एक्शन होता है इसका, ठीक है. दिस चार्ट यू रिमेंबर, व्हाट एवर आई एम राइटिंग, थ्री पॉइंट्स बोलूंगा मैं. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी कन्वर्सेंट एक्शन, 0.05 to 4, देन 4 to 7 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर क्या होता है, सीएनएस स्टिमुलेशन करता है, फॉलोड बाय सिक्रेशन, किसी ठीक है, पहले स्टिमुलेशन करता है, देन इट कॉजेस सीएनएस डिप्रेशन, ठीक है, देन 7.5 to 10 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर क्या होता है, नाउ इट शोस जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ठीक है. सो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, सो फर्स्ट साइन ऑफ क्या है आपका लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी का, नर्वसनेस, उसके साथ एंग्जाइटी भी हो सकता है, तो एंग्जाइटी नर्वसनेस गो हैंड इन हैंड, एंग्जाइटी होगा तो नर्वसनेस, इट इज लाइक दैट, ठीक है. देन और भी क्या क्या चीजें हो सकता है जो एलए टॉक्सिसिटी का, आपका टिनिटस, टिनिटस पता है क्या होता है, बजिंग ऑफ द एयर, कान में कुछ भुन भुन ऐसे आवाज कर रहा होगा, पेशेंट बोलेगा आई एम हियरिंग समथिंग, ठीक है. एंड सरकम ओरल नमनेस, सरकम ओरल नमनेस, दिस टू आर द पैथो पैथोनोमिक ऑफ एलए टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो ये भी याद रखना, ठीक है. फर्स्ट तो है नर्वसनेस, देन इफ दे आस्क यू व्हाट आर द पैथोग्नोमिक फीचर्स ऑफ एलए टॉक्सिसिटी, दैट आर टिनिटस एंड सरकम ओरल नमनेस, ठीक है. नाउ ये तो हमने बात किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, व्हाट इज इट्स इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है.
ओनली डिप्रेशन हमने क्या बोला कि सीएनएस में क्या होता है, जैसे 4 to 7 माइक्रोग्राम है, दैट इज माइक्रोग्राम में सीएनएस स्टिमुलेशन फॉलोड बाय डिप्रेशन, पहले स्टिमुलेशन होता है फिर डिप्रेशन होता है, बट इन केस ऑफ सीवीएस क्या होता है, ओनली डिप्रेशन, ये याद रखना ठीक है, ओनली डिप्रेशन। ठीक है, नाउ इसमें क्या है, 1.5 to 5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में क्या होता है, एंटी एरिथमिक एक्शन, इसमें क्या होता है, एंटी एरिथमिक एक्शन होता है। ये जैसे उसमें बोला था हमने एंटी सीजर एक्टिविटी होता है, फिर आपका आपका क्या होता है, डिप्रेशन होता है, फिर क्या टोनिक क्लोनिक सीजर होता है। तो इसमें 1.5 to 5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर हो तो कार्डियोवास्कुलर में क्या इफेक्ट होता है, इट हैज एंटी एरिथमेटिक एक्शन, पर आपको ग्रेटर देन 5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है, दैट इज सीवियर डिप्रेशन, ठीक है, इट विल स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट। ठीक है, नाउ ये जो क्लोज माउथ टेक्निक है, दैट डे यू आस्क मी ना अनिकेत, क्लोज माउथ टेक्निक क्या था, क्लोज माउथ टेक्निक, कैन यू नेम द क्लोज माउथ टेक्निक, वाज़ीरानी एकिनोसी टेक्निक, या वाज़ीरानी एकिनोसी टेक्निक, ये क्लोज माउथ टेक्निक है। ठीक है, इसको और एक नाम भी दिया है, क्या है वो, दे मैं आस्क यू ना, ट्यूबरोसिटी टेक्निक, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज ट्यूबरोसिटी टेक्निक। नाउ अब अगर वाज़ीरानी एकिनोसी टेक्निक यूज करते हो तो कौन सा स्पेस में आपका जो नीडल इंसर्शन होता है, यू नो दैट हमारा देयर आर वेरियस स्पेसेस, राइट, स्पेसेस का डेफिनेशन पढ़ना, ठीक है, स्पेसेस का डेफिनेशन पढ़ना, पोटेंशियल कुछ है ना, पोटेंशियल कैविटीज ऐसे कुछ है, दैट डेफिनेशन यू रिमेंबर, ठीक है, तो कौन से स्पेस में जा सकता है आपको नीडल, अगर क्लोज माउथ पे देते हो, टेरिगो मैंडिबुलर, टेरिगो, दिस आर ऑल नीट एमडीएस क्वेश्चन, ठीक है, नीट एमडीएस भी है एंड वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड एनी वे इफ यू लाइक स्टडींग ना, तो आफ्टर नोइंग दिस थिंग्स ना अच्छा लगता है, इवन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, लाइक यू वुड नॉट लाइक टू बी ए प्रैक्टिशनर जिसको कुछ आता नहीं है, बस लाइक हमको पता है कि लाइक फीलिंग करना है तो एक गड्ढा को ऐसे, लाइक मेनी प्रैक्टिशनर दे डू लाइक दैट, बट इफ यू नो द साइंस बिहाइंड दैट, देन दैट गिव्स यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस व्हेन यू ट्रीट अ पेशेंट, अगर उस कुछ भी कर रहे हो आप तो उसके पीछे जो साइंस है अगर आप जानते हो, देन इट विल गिव यू एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस एंड आपको हैप्पीनेस भी देगा उससे, ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि जस्ट नहीं मेरे को ले देना आता है, हो गया जान गया ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यू शुड नो मोर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है, तो टेरिगो मैंडिबुलर टेक्निक है, ठीक है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू लोकल एनेस्थीसिया, तो आपका क्या है, देयर आर वेरियस नर्व होता है, नर्व में क्या क्या होता है, आपका पेरिन्यूरियम होता है, और क्या होता है, एपिन्यूरियम होता है, एंडोन्यूरियम होता है, एक्सन होता है, जो चैप्टर है आपका नर्व इंजरी, उसमें आई थिंक यू हैव स्टडीड ना दिस डिफाइन नर्व इंजरीज, एक्सोनो टेमेसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, सुंडरलैंड क्लासिफिकेशन, दिस आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, बट एनीवे जस्ट आप जस्ट मेरे को याद आ गया, सो विद दैट नर्व इंजरी, अगर इफ इन केस योर वाइवा गोज गुड एंड द एक्सटर्नल वांट्स टू गिव यू मोर मार्क्स, सो ही मैं आस्क यू नर्व इंजरी, तो नर्व इंजरी में आप इसका क्लासिफिकेशन पढ़ जाना, ठीक है, दिस इज लिटिल लॉन्ग वन बट यू स्टडी दिस, ठीक है, कुछ एक्सोनो ट्रोमेसिस होता है, देन अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर, न्यूरोपरेक्सिया, न्यूरोट्रोमेसिस, सो ऑल दिस थ्री थिंग्स आर देयर, देन उसका भी अगर स्टेज 1, 2, 3 ऐसे होता है, सिंडरलैंड क्लासिफिकेशन एंड ऑल, सो जस्ट गो थ्रू दैट एक बार, अगर लाइक एवरीथिंग वेंट वेल, आपने सब बोल दिया अच्छे से, देन द एक्सटर्नल वांट्स टू टेस्ट कि नहीं इसको और ज्यादा आता है क्या, देन ही मे गो टू नर्व इंजरी ऑल्सो, बट अंडर ग्रेजुएट पे नहीं पूछते, बट यू डोंट नो एक्सटर्नल लाइक एनीथिंग में हैपन, ठीक है, तो दे कैन गो, सो अगर मैं एक्सटर्नल हूँगा तो आई वुड नॉट गो, ठीक है,
और सम एक्सटर्नल कैन गो अहेड, ठीक है, तो जस्ट ये पढ़ के जाना, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू लोकल एनेस्थीसिया, कौन सा जो नर्व मेम्ब्रेन है सबसे रेजिस्टेंट है लोकल एनेस्थीसिया का, पता है आपको, दैट इज पेरिनिब्रियम, ठीक है, मोस्ट रेजिस्टेंट टू लोकल एनेस्थीसिया, दैट इज पेरिनिब्रियम। Jishu, this will help you in your NEET, okay? These topics are, I'm taking from this some NEET paper, na? So this will help you, okay? Yeah, not only for Aniket, for his exam preparation, but also NEET, it will help you, okay? So that is perineurium. Okay, sir. Okay, yeah, perineurium. Then next, let me find out, ankylosis will do little later. Some more, I think, general principle surgery. तो हु वाज द साइंटिस्ट, छोड़ो ये सब जरूरी नहीं है, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट, एएसए क्लासिफिकेशन, एएसए क्लासिफिकेशन यू नो आई हैव डिस्कस बिफोर, यस सर, या सुभाष सर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, अमेरिकन एसोसिएशन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है, पेशेंट का पेशेंट स्टेटस, ठीक है, पेशेंट का स्टेटस का क्लासिफिकेशन दिया है, दैट इज एएसए 1, एएसए 2, एएसए 3, एएसए 4, एएसए 5 एंड एएसए ई, ठीक है। तो एएसए 1 क्या होता है, एएसए 1 ए पेशेंट विदाउट ए सिस्टेमिक डिजीज, एक पेशेंट है जिसको कोई सिस्टेमिक डिजीज नहीं है, दैट इज एएसए 1, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी पेशेंट, ठीक है। एएसए 2 क्या होता है, ए पेशेंट विद माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज, माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज, ठीक है। एएसए 3 क्या होता है, ए पेशेंट विद सीवियर सिस्टेमिक डिजीज, बट डिजीज दैट लिमिट्स एक्टिविटी, उसका एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है, बट नॉट इनकैपेसिटेटिंग, ऐसा नहीं है कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, ठीक है, उसका एक्टिविटीज लिमिट कर देता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट इज नॉट इनकैपेसिटेटिंग, इनकैपेसिटेटिंग, ठीक है। नाउ एएसए 4 क्या होता है, ए पेशेंट विद सीवियर इनकैपेसिटेटिंग सिस्टेमिक डिजीज, दैट इज कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द लाइफ। एएसए 4 में क्या होता है आपको, एएसए 4 में डिजीज इज कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। नाउ एएसए 5 क्या है, एएसए 5 ए पेशेंट, ए मोरीबॉन्ड पेशेंट नॉट एक्सेप्टेड टू सर्वाइव मोर देन 24 आवर्स, नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव मोर देन 24 आवर्स, ठीक है। नाउ एएसए ई क्या होता है, इमरजेंसी प्रोसीडियर, यस इमरजेंसी प्रोसीडियर ऑफ एनी काइंड, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी प्रोसीडियर जरूरत होता है पेशेंट को, दैट कम्स इन एएसए ई, इट प्रिसीड्स द एएसए नंबर, ई प्रिसीड्स द एएसए नंबर, इंडिकेट्स द पेशेंट्स फिजिकल स्टेटस, ठीक है। तो ये एएसए ई कब होता है, जब कोई इमरजेंसी प्रोसीडियर हमको पेशेंट में करना पड़े, ठीक है। नाउ आप दो कंडीशन बताओ विच आर एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन टू एक्सट्रैक्शन, क्या होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाँ, एम आई विद इन सिक्स मंथ्स, नो नो दैट इज नॉट एब्सोल्यूट इंडिकेशन, वो है ना, I'm not sure. अच्छा, एक the one which I wanted to tell about is hemangioma, ठीक है? Hemangioma है, then aneurysm like arteriovenous or sinusoidal aneurysms, ठीक है? Now relative contraindication, Aniket you are telling ना 6 month वो है relative contraindication, ठीक है?
इरेडिएशन होना दैट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, 6 मंथ आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, देन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, देन ब्लड डिस्क्रियासिस, कोगुलोपैथीज, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजाइवाइटिस, एड्रिनल इंसफिशियंसी, थायरोटॉक्सिकोसिस. थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या क्या हो सकता है? व्हाई वी प्रिफर, इसमें एलए का क्या रिलेशन है? वी प्रिफर विदाउट एड्रिनलिन. अदरवाइज क्या क्या हो सकता है इसमें, इस पेशेंट में? थायरॉइड स्टॉम. यस, वेरी गुड, थायरॉइड स्टॉम हो सकता है. ठीक है, और ये जो हेमांजियोमा है दैट इज सेंट्रल हेमांजियोमा. ठीक है, यू रिमेम्बर दिस, सेंट्रल हेमांजियोमा. ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सप्रेशन हो गया. नाउ अगर आपको पूछा एक पेशेंट को एलर्जी है पेनिसिलिन से, वी गिव पेनिसिलिन राइट फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन करते हैं, सर्जिकल प्रोसीडियर, एलर्जी टू पेनिसिलिन है, देन व्हाट यू कैन गिव? डॉक्सीसाइक्लिन. नो, डॉक्सीसाइक्लिन वो बाद में जाएंगे, उससे पहले भी कुछ है. वी विल प्रिफर क्लिंडामाइसिन. टेट्रासाइक्लिन वी डोंट प्रिफर, मतलब ज्यादा प्रिफर नहीं करते हम डेंटल उसमें. ठीक है, क्लिंडामाइसिन. ठीक है, अब क्लिंडामाइसिन के क्या बाद क्या आएगा? एरिथ्रोमाइसिन. ठीक है, दिस थिंग इज देयर, देन यू कैन गिव एजिथ्रोमाइसिन. एजिथ्रोमाइसिन पता है ना, एजिथ्राल नाम से आता है एजिथ्रोमाइसिन. दिस यू कैन गिव ओरल रूट. अगर पेरेंट्रियल में देना होता है तो सेफाजोलिन या सेफ्ट्राइक्सोन. सेफाजोलिन या सेफ्ट्राइक्सोन. नाउ एक बात बताओ, जो लिवर डिजीज होता है पेशेंट को, उसमें देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? लिवर डिजीज वाले में जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, किसके कारण वी? कोगुलेटिंग फैक्टर. हाँ, कोगुलेटिंग फैक्टर, वेरी गुड. ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई लिवर डिजीज में वी कोगुलेशन प्रोफाइल वगैरह देखते हैं ना हम, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग. ठीक है, नाउ एक डायलिसिस हुआ है पेशेंट में. ठीक है, डायलिसिस पेशेंट, आफ्टर हाउ मच टाइम वी कैन डू द एक्सट्रैक्शन? क्या है ये पता है? कुमार डोज में लाना होगा. 24 आवर्स हाफ लाइफ. दिस इज एन 24. ठीक है, इसका इसके इसके पीछे कारण क्या है? दिस अलाउज द हेपरिन, देयर आर लॉट ऑफ नॉइज, दिस अलाउज द हेपरिन यूज ड्यूरिंग डायलिसिस टू डिसअपीयर. तो जो आपका हेपरिन यूज करते हैं डायलिसिस में, वो डिसअपीयर हो जाता है 24 आवर्स तक. ठीक है, एम टू बी इन द बेस्ट फिजियोलॉजिक स्टेटस विद रेस्पेक्ट टू इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम. तो क्या होता है, पेशेंट आपका फिजियोलॉजिक स्टेटस उसका सही हो जाता है. तो हेपरिन क्या होता है, हेपरिन डिसअपीयर हो जाता है 24 आवर्स तक. यू रिमेम्बर दिस, हेपरिन डिसअपीयर. आई थिंक जिशु को वाइवा में पूछा था दिस वन, राइट? यस सर. जिशु, या सो ये याद रखना, 24 आवर हेपरिन डिसअपीयर हो जाता है 24 आवर तक, एंड द पेशेंट इज मोर इन अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन सो दैट वी कैन अंडरगो द एक्सट्रैक्शन. ठीक है, देन हाँ, ऑस्टियोरेडी दैट विल डिस्कस लेटर, पहले यही कर लेते हैं. देन हाँ, आपको सम थिंग रिलेटेड विद स्टेरॉइड्स एंड एक्सट्रैक्शन. ठीक है, या सर्जरी से क्या रिलेटेड, इफ ए पेशेंट इज टेकिंग 30 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन, बिलो 30 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन, हमको पता है ना वो रूल ऑफ टू यू नो अनिकेत, डबल द डोज. हाँ, डबल द डोज कब करते हैं? नॉट ऑलवेज. ठीक है, दो हफ्ते से ज्यादा ले रहा है, देन व्हाट इज दैट? 2 weeks. मोर देन टू इयर्स, टू वीक्स, टू इयर्स, मोर देन 2 weeks. और भी क्या है?
यू जस्ट रिवाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सोचो एक पेशेंट बिलो 30 मिलीग्राम ऑफ आपका हाइड्रोकोर्टिसोन ले रहा है, सो नो नीड टू चेंज एनी डोज डोज सिंस एड्रिनल एक्सिस इज नो नॉट अफेक्टेड। अगर 30 मिलीग्राम से कम ले रहा है तो नहीं चाहिए, हाइड्रोकोर्टिसोन नॉट अदर, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन। दैट डे आई टोल्ड यू ना, जिशो मोस्ट एंडोजेनस ग्लूकोकॉर्टिकोड क्या होता है, हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। नाउ इफ ए पेशेंट टेकिंग अबव 30 बट बिलो 50, अबव 30 बट बिलो 50 एड्रिनल एक्सिस इज सप्रेस, तो डबल द डोज, ठीक है। देन इफ द पेशेंट हैज, ओके दिस इज एनफ, ये याद रखना 30 मिलीग्राम, मोस्ट रूल ऑफ टू याद रखना, रूल ऑफ टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और अबव 30 बट बिलो 50 डबल द डोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका तो डेक्सामेथासोन कब देते हैं? डेक्सामेथासोन वी कैन गिव इन दिस, आई एम टेलिंग यू हाइड्रोकोर्टिसोन नॉट फॉर स्वेलिंग एंड ऑल, ठीक है। पेशेंट को और सारा कुछ बीमारी है जिसके लिए वो हाइड्रोकोर्टिसन ले रहे हैं। डेक्सामेथासोन वी डोंट गिव फॉर लाइक स्वेलिंग के लिए दिए हम, इन्फ्लेमेशन के लिए दिए, वी डोंट गिव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक, सालों भर ऐसे नहीं देते, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिया। इमरजेंसी में क्या? हाँ नॉट इमरजेंसी, आपको सर्जरी किया है, सोचो ट्रांस एल्वेलर किया है, इमिडिएटली आपको स्वेलिंग होगा, देन वी गिव वन डेक्सामेथासोन 8 mg, ठीक है। एक एक वायल देंगे डेक्सामेथासोन का, जिसमें एक वायल में 2 ml होता है, ठीक है, 2 ml डेक्सामेथासोन देंगे हम, देन दैट इज एनफ, ठीक है। आपको ट्रांस एल्वेलर एक्सट्रैक्शन किया, सोचो हमने सर्जरी किया पेशेंट का, या पेशेंट को स्वेलिंग है बिफोर सर्जरी, सो रिड्यूस टू रिड्यूस दैट स्वेलिंग वी विल गिव डेक्सामेथासोन। बट ऐसे नहीं देते कि बहुत लंबा समय तक, सालों साल चल रहा है, महीने भर चल रहा है, नो, 3 days दिया, 4 दिन दिया, इससे ज्यादा नहीं देते डेक्सामेथासोन, ठीक है, उसके बाद स्वेलिंग ठीक हो जाता है। बट हाइड्रोकोर्टिसन एंड ऑल जो लंबे समय तक यूज कर रहे हैं, दे हैव अदर डिसऑर्डर्स, उसको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकता है, देर इट कैन बी एनी थिंग, ठीक है। सो इन दोज केसेस सोचो पेशेंट इज ऑलरेडी है, जिसको ऑलरेडी स्टेरॉइड ले रहा है फ्रॉम सम अदर डिसऑर्डर, नाउ वी वॉन्ट टू डू द एक्सट्रैक्शन, देन वॉट इज अवर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वट वट वी विल आस्क द पेशेंट, सो दिस इज वट इट इज, ठीक है। समझ में आया अभी? यस सर, इज इट यस क्लियर सर, अनिकेत, समझ रहे हो बात यस सर, क्या बोला यस मैं? सर, ओके ओके फाइन। हाँ सर, ये बता दिया, रबर बैंड एक्सट्रैक्शन मैंने बताया आपको कब होता है, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक क्या है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स लाइक हेमोफिलिया हीमोफिल एंड हेमंजियोमा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, रुको और देखता हूँ, एक पेशेंट सोचो इंसुलिन ले रहा है, और व्हेन आर द चांसेस हमने एक्सट्रैक्शन किया पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, कब हो सकता है, जब हमने एम्प्टी स्टोमक में एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है। सो वी शुड नॉट, जो अगर पेशेंट कोई आपका जो डायबिटिक है, वी विल एडवाइस द पेशेंट कि वो रेगुलर मेडिकेशन पे रहे, ठीक है, अपना सुबह को खाना खा के आए हैं और अपना रेगुलर मेडिकेशन जो चल रहा है वो लेके आए, नॉट ही शुड नॉट स्किप द ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसको हाइपोग्लाइसिमिया, अगर इंसुलिन, इंसुलिन से क्या होता है, बहुत जल्दी आपको क्या होता है, जो व्हाट इज दैट, जो शुगर लेवल्स है, ब्लड शुगर लेवल्स है, वो बहुत रैपिडली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो वी विल नॉट एडवाइस द पेशेंट कि आप एम्प्टी स्टोमक आ जाओ, ऐसे नहीं करेंगे, तो एम्प्टी स्टोमक नहीं आता है, ठीक है। दिस एंड देन वन वन डे आफ्टर डायलिसिस, ये बोल दिया द ब्लड प्रोडक्ट ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफिलिक्स, जो जो हेमोफिलिक्स होता है, वी डिस्कस वन डे ना, एक क्लास लिया था हमने हेमोफिलिया एंड ऑरल सर्जरी। तो अगर हम हमको वो करना है क्या, रिप्लेसमेंट फैक्टर 8 रिप्लेसमेंट या फैक्टर 9 रिप्लेसमेंट जो भी है, सो विच इज द ब्लड प्रोडक्ट विच इज मोर प्रिफरेबल, दैट इज क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्रायो प्रेसिपिटेट, ठीक है, इन हेमोफिलिक्स हम प्रिफर करते हैं, ठीक है।
ना ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस बता दिया मैंने, एंड आर्थराइटिस हो सकता है, और क्या होता है वो क्या है, क्या था दैट इज 3H होता है ना, क्या था, हाइपोक्सिया, देन हाइपोसेलुलरिटी हाइपोसेलुलरिटी हाइपोफॉस्फोलिपिड और हाइपो, क्या था, हाइपो वास्कुलरिटी हाइपोवास्कुलरिटी, ठीक है, ये तीन चीज में याद रखना। देन 5E इज एंड 5P इज कहाँ पे था, इफ यू रिमेम्बर, ओरल फिस्टुला। हाँ ओरोएंट्रल फिस्टुला या कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो ये एस्केप ऑफ एयर, देन ये सारा चीजें यू जस्ट रीड दिस, आई कैन रिवाइज ऑल्सो बट आई थिंक यू नो ऑलरेडी, 5Es एंड 5Ps ये रिवाइज करना है, ठीक है। देन नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आपका व्हील एंड एक्सेल प्रिंसिपल जो यूज करते हैं हम, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, व्हील एंड एक्सेल प्रिंसिपल जो क्रायर है इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 4.6, ठीक है। तो लेवर प्रिंसिपल में क्या होता है, लेवर प्रिंसिपल में मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 3। देन वेज प्रिंसिपल में कितना होता है, 2.5 2.5। एंड व्हील एंड एक्सेल प्रिंसिपल में 4.6 4.6, ठीक है। तो ये सारे नाम भी याद रख लेना। लेवर प्रिंसिपल में आपका स्ट्रेट इलिवेटर यूज होता है, एपेक्स इलिवेटर, क्रायर यूज होता है। वेज में क्या यूज होता है, वेज में अगेन एपेक्स इलिवेटर, वेज इलिवेटर, ये भी यूज कर सकते हैं। व्हील एंड एक्सेल में क्या होता है, क्रॉस बार इलिवेटर और विंटर इलिवेटर, ठीक है। देन एडवांटेज ऑफ चिजल एंड मैलेट ओवर बर क्या होता है, हमने हमने पता है कि हाँ, नेक्रोसिस नहीं होगा बोन का, नहीं, नॉट दैट, इरिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, या नेक्रोसिस, नेक्रोसिस एनी वे इन बर टेक्निक भी नहीं होगा, अगर आप कूलेंट यूज करते हो नेक्रोसिस आपको उसमें भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ट्रांसअल्वेलर कर रहे हैं, पेशेंट सारा ये नेक्रोसिस लेके रहे, नो नेवर, अभी तक तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, सो नेक्रोसिस नहीं होता, इफ यू यूज कूलेंट जुडिशियसली आपको नेक्रोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका क्या है एडवांटेज क्या है, चिजल एंड मैलेट आपको पूछ सकता है, सम पीपल जो सोचो आपका एक्सटर्नल है, ही इज दैट ओल्ड स्कूल, पुराने समय का है, उसने चिजल एंड मैलेट वाला टेक्निक किया, देन ही विल आस्क कि आपको चिजल एंड मैलेट का वो क्या है, एडवांटेज क्या है, देन यू व्हाट यू शुड से कि आपको इसमें कूलेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है, नो कूलेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंजर कहाँ पे यूज करते हैं, एल्वियोलोप्लास्टी, हाँ एल्वियोलोप्लास्टी में यूज करते हैं, ठीक है, दिस यू नो ऑलरेडी। नाउ एश फॉर्सेप्स क्या होता है, देयर आर टू थिंग्स, एश फॉर्सेप्स एंड देन आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, एशेस फॉर्सेप्स, जो भी है, क्या है ये, क्या है ये, एश फॉर्सेप्स इज यूज फॉर, ये जो है ASSH, एक्सट्रैक्शन ऑफ लोअर इंसाइसर, ठीक है, और ये जो एशेस है एंड वाल्शमैन फोर्सेप्स जो होता है वो नेसल फ्रैक्चर को आपका उसके नेसल फ्रैक्चर्स में यूज करते हैं, ठीक है, तो यू रिमेम्बर दिस, एश फोर्सेप्स, ASH, एक्सट्रैक्शन ऑफ लोअर इंसाइसर, लोअर इंसाइसर याद रखना, और ये एशेस फोर्सेप्स नेसल फ्रैक्चर में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ ये तो बता दिया हमने कि कौन सा, लाइक एपाइकल, एपाइकल के बाद क्या होता है, बकल होता है, बकल के बाद क्या होता है, लिंगुअल होता है, लिंगुअल के बाद क्या होता है, रोटेशन होता है, ट्रैक्शन होता है, द सेम थिंग इज गिवन हियर। नाउ पेरियोस्टियल इलिवेटर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओरल सर्जरी कौन सा है, नंबर 9 मॉल्ट पेरियोस्टियल इलिवेटर, ठीक है। Now, which is the hemostat most commonly used in oral surgery? That is curved hemostat. ठीक है? Now, ये important है, this question you notice, ठीक है? Needle जो होता है, needle commonly used in closing mucosal incision. Needle कौन सा है सबसे common use होता है? या तो आपको small half circle होता है, you know ना,
ये जो नीडल होता है अलग अलग साइज आपके बुक में नीलिमा मलिक में दिया हुआ है, कुछ ऐसे है, कुछ छोटा है, लाइक आई कैन नॉट शो विथ फिंगर, लाइक ऐसे होता है, कुछ यहाँ तक होता है, मेनी आर देयर. तो स्मॉल हाफ सर्कल और 3/8 सर्कल, ठीक है, दिस आर द मोस्ट कॉमन. जो सूचर यूज करते हैं इंट्रा ओरल, सबसे कॉमन कौन सा होता है? सिल्क मार्शल सिल्क सिल्क थ्री सूचर पॉइंट में भी उसका साइज होता है ना, देर आर डिफरेंट थ्री साइजेस, पॉइंट राइट. आप अगर ऑप्थाल्मोलॉजी में यूज करते हो, कौन सा साइज यूज करते हैं? दे यूज दिस 8/0 एंड ऑल, ठीक है, पर हम ओरल सर्जरी में कौन सा यूज करते हैं? बेसिकली हम यूज करते हैं 3/0, ठीक है. जितना ये नंबर बड़ा होता जाता है उतना फाइन होते जाता है, ठीक है, दिस इज 3/0 वी यूज. अगर 2/0 लेते हो तो क्या होता है वो देखोगे, साइज उसका बड़ा है, ठीक है, मोटा है, ठीक है. नाउ ये जो सूचर है कैसे में आता है? राउंड बॉडी आता है और क्या आता है, और एक आता है क्या, राउंड बॉडी और क्या था, आई जस्ट फॉरगॉट, वो एंगुलर भी आता है ना, व्हाट वाज दैट, आई जस्ट फॉरगॉट, यू जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है. टाइप्स में राउंड बॉडी होता है और एक होता है, ठीक है. देन 3/0 बोल दिया मैंने. कौन सा रिट्रैक्टर सबसे कॉमनली यूज होता है ओरल सर्जरी में? लैंगनबैक्स रिट्रैक्टर. और स्कैल्पेल में कौन सा ब्लेड सबसे ज्यादा यूज करते हैं? यू नो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, कौन सा है? 15 नंबर 15, ठीक है, नंबर 15. म्यूकोजिंजाइवल प्रोसीडियर में कौन सा यूज करते हैं? नंबर 12. इलेवन म्यूकोजिंजाइवल में नंबर 12, ठीक है. जिंजिवेक्टोमी में 11 एंड 12, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, हाँ, ये जो चीजल होता है एंड ऑस्टियोटोम होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? ऑस्टियोटोम बाइबेवल्ड होता है, चीजल आपका यूनिबेवल्ड होता है, ठीक है. नाउ नाउ सूचर्स में क्या है? एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है. तो एब्जॉर्बेबल में आता है आपका, एब्जॉर्बेबल में आपको क्या क्या आएगा? नेचुरल एब्जॉर्बेबल और आपका सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल. नेचुरल में क्या आएगा? सर्जिकल कैटगट, जिसमें आपको प्लेन भी हो सकता है, क्रोमिक भी हो सकता है, ठीक है. और क्या आएगा नेचुरल में? कोलाजन, ठीक है. सिंथेटिक में क्या आएगा आपको? सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल कोटेड वाइक्रिल. वाइक्रिल बहुत हम कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है, सर्जरी में. इफ यू डू मेजर सर्जरीज, इफ एनी डे यू टेक ओरल सर्जरी, आप मेजर सर्जरी करोगे, देखना वाइक्रिल बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है. देन और एक है आपका पोली डायक्सोनोन, ठीक है. नाउ ये हो गया एब्जॉर्बेबल, आपको नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है. नाउ नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल में आपको क्या होता है? अगेन नेचुरल होता है, देन अगेन क्या होता है आपको? सिंथेटिक होता है. तो नेचुरल में क्या आता है आपको? सर्जिकल सिल्क, लाइनन, कॉटन और स्टील, ठीक है. सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल में आता है आपको पॉली पॉली प्रोपिलिन एंड नाइलॉन, ठीक है, याद रहेगा ये, जस्ट गो गो थ्रू दिस थिंग, ठीक है. देन कौन सा सूचर मटेरियल है जिसमें मेमोरी होता है? यू नो दैट सूचर विद नो सर मेमोरी आपको नाइलॉन में होता है, ठीक है, सूचर विद मेमोरी, ठीक है. नाउ देन प्रेजेंस ऑफ सूचर इंक्रीजेस, ये छोड़ो अभी, वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है अभी. देन जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया आपको पूछते हैं
अनिकेत नहीं पता सर, नहीं पूछ। ओके, तो जनरल एनेस्थीसिया में याद रखना आपका जो डिफरेंट स्टेज होता है ना, आई थिंक यू हैव स्टडीड इन योर फर्स्ट सेकेंड ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर। स्टेज वन में क्या होता है, एनाल्जेशिया एंड कॉन्शियस सेडेशन, ठीक है। स्टेज टू क्या है, स्टेज ऑफ डेलिरियम, ठीक है। स्टेज थ्री इंपॉर्टेंट है, स्टेज थ्री इज द स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ठीक है। स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया इज स्टेज थ्री। तो पूछेंगे आपको कौन सा स्टेज में सर्जरी किया जाता है, स्टेज थ्री में किया जाता है, ठीक है। नाउ स्टेज थ्री में अलग अलग प्लेन होते हैं, प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन थ्री, प्लेन फोर। और स्टेज फोर क्या होता है, स्टेज फोर इज द स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, ठीक है। नाउ एक कंडीशन बताओ आपको जहां पे जीए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एक पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, देन जीए इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। याद रखना अगर आपको पूछे जीए इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए पेशेंट हैविंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपको जीए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नाउ अब जो डायजेपम देते हैं, पता है ना आपको डायजेपम, इट इज यूज्ड एज एन प्री मेडिकेशन, पता है। हाउ हाउ उसका डोजेस क्या होता है, 5 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम डायजेपम, ठीक है। उसका रेट ऑफ इंजेक्शन क्या होता है, 1 मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है, ठीक है। तो यू आर टायर्ड एनिकेत, लिटिल बिट सर। ओके ओके फाइन। आई थॉट आई कुड हैव डिस्कस सम मोर टॉपिक्स आल्सो, यहाँ पे ये सेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक 2-3 मिनट्स आर लेफ्ट। इफ यू वांट आई कैन डिस्कस सम मोर टॉपिक्स आल्सो, बट इफ यू फील दैट यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ देन वी कैन स्टॉप। यू वांट मी टू डिस्कस सम मोर टॉपिक्स थोड़ा रेस्ट लेने के बाद? हाँ सर, रात को कर सकते हैं क्या कितने बजे? आई सर? विल आप बी आफ्टर बोलिए। 10।